3, 2, 1, action. Well, welcome to 1540 everyone. Myself Shwang Chhabra और आज हम देख रहे हैं C++ programming. C++ programming का ये बिल्कुल overview होगा. Data types, कैसे C++ program बनाया जाता है, उसका basic structure, functions और भी छोटी मोटी चीजें हम टोकन वगैरह सब कवर करेंगे. बेसिकली अगर आपको C++ से स्टार्ट चाहिए तो ये बहुत सही लेक्चर है आपके लिए. या फिर जो बच्चे C++ पढ़ के आए हैं, C++ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट है. और अगर आप ऊप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऊप से पहले जो C++ जितनी आपको आनी चाहिए वो सारी हम सेक्शन में कवर करेंगे. आई होप इट्स क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले C++ प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू लेते हैं. C++ प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ईजी प्रोग्रामिंग है. आप इसको लोग मोस्टली लोग ऐसा स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं और इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज एंड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काम आती है और ये पोर्टेबल है. पोर्टेबल मतलब इट इज पोर्टेबल, इट कैन बी अडेप्टेड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अडेप्ट कर सकते हैं. और अगर किसी ने सी पढ़ रखी है पहले से तो ये सी और C++ बहुत 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 ज्यादा सिमिलर है. कुछ सिंटेक्स अलग होते हैं और इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट अलग होता है और इसमें क्लासेस का फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होता है बस. बाकी सब सी और C++ में ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए. इट इज इजी टू लर्न, पोर्टेबल है एंड इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो ऊप्स का कंसेप्ट है आपका वो C++ में है, सी में नहीं होता है. ठीक है, ये 5 बेसिक पॉइंट है C++ के लिए. अब आगे बढ़ते हैं सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या होता है? कुछ रूल्स या रेगुलेशन जो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो करते हैं उसका प्रोग्राम लिखने में. सिंटेक्स रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर राइटिंग स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दे कैन बी ऑल्सो व्यूड एज द ग्रामेटिकल रूल्स डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि आई एम अ गुड पर्सन, ठीक है, तो ये एक लाइन में आई के साथ एम आता है. अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो आई लिखना होता है. ये सारे कुछ रूल्स है ना, ग्रामेटिकल रूल्स है. ऐसे जो प्रोग्रामिंग में रूल्स होते हैं जो प्रोग्राम लिखते हैं आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंटेक्स. क्लियर. अब C++ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसका देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर कि एक बेसिक C++ का प्रोग्राम कैसा दिखता है. कुछ ऐसा दिखता है. अगर किसी ने सी पढ़ रखा है तो आपको देखना होगा कि ये बिल्कुल सिमिलर है. अगर किसी ने सी नहीं भी पढ़ रखा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे. जो बच्चों को पहले से कुछ नहीं आता उसको भी समझ आएगा. ठीक है, ये है बेसिक C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर. सबसे पहली लाइन जो लिखते हो वो आप देखते हो #include_iostream. ये क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. जो आप इसके अंदर सी आउट सी इन फंक्शन यूज करोगे वो सारे फंक्शन इसके अंदर डिफाइन होते हैं. तो इसलिए ये बहुत बेसिक फाइल होती है जो आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ती है. ये हर C++ प्रोग्राम की बेसिक नेसेसिटी हो गई. ठीक है, ये लाइन का मतलब समझ आ गया. ये हेडर फाइल है एक आईओ स्ट्रीम वाली जिसको आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है #pprocessors की मदद से. ये हैशटैग के बाद एक प्री प्रोसेसर लिखा जाता है. बड़े सारे आईपी प्री प्रोसेसर होते हैं. हैशटैग यहाँ पे इंक्लूड यूज कर रहे हैं हम. हैशटैग इंक्लूड क्या करता है? इसके आगे आप जो फाइल दोगे वो सारे फाइल्स के फंक्शंस आप अपने प्रोग्राम फाइल में यूज कर पाओगे, उसके अलाउ कर देता है आपको. ठीक है, हैशटैग इंक्लूड लिखा, ये फाइल का नाम लिखा, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में जो भी फंक्शन है जैसे सी आउट होता है सी इन होता है वो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर पाओगे इस लाइन के बाद. पहली लाइन क्लियर हो गई. फिर है यूजिंग नेमस्पेस STD. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी बच्चों को नहीं समझ आती. या फिर अगर आपने कोई C++ का प्रोग्राम देखा हो तो आपने देखा होगा कई बार ना ये लाइन ना लिख के जब भी यहां पे कुछ करना होता है तो ऐसे लिख देते हैं. कैसे? STD... दो बार कॉलन. ठीक है, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखनी तो आपको हर जगह मेंशन करना पड़ेगा STD दो बार कॉलन. बट हम बिल्कुल सारे सी प्रोग्राम में हमें जो बार बार यूज नहीं करना, बार बार ये प्रॉब्लम नहीं पालने की हम बार बार STD वो लिखते रहे, इसलिए हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग नेमस्पेस STD. ये क्यों लिखते हैं इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे बस अगली स्लाइड पे. पहले ये स्टैंडर्ड नेमस्पेस होता है जो एक स्पेस डिफाइन करता है, बस इतना समझ लो. नेमस्पेस एक नेम डिफाइन करता है जहाँ पे आपके वेरिएबल्स होते हैं. क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. आगे बढ़ते हैं पहले इसी स्ट्रक्चर में. फिर होता है इंट मेन. इंट मेन मतलब ये एक फंक्शन है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है और फंक्शन का नाम मेन है. मेन फंक्शन क्या होता है, आपके प्रोग्राम को एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि कहां से प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट होगा. आपने अगर मान लो 50 फंक्शन बना रखे हैं तो पहला फंक्शन जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर के थ्रू वो होगा मेन फंक्शन. बाकी फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है. ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन होता है जिसका नाम मेन प्रीडिफाइंड है. ठीक है, फिर फंक्शन है इसलिए इसके यहाँ पे ब्रैकेट्स आते हैं पैरेंथेसिस. इसका ब्लॉक स्टार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक. इसकी टाइप डेटा टाइप इंटीजर थी तो कुछ हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. बिना रिटर्न करने वाला फंक्शन भी आप बना सकते हो बट बेटर ही होता है आप वो वाला फंक्शन बनाओ जो कुछ ना कुछ रिटर्न करे. फिर ये डेटा टाइप की इंटीजर थी इसलिए कुछ रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न 0 जब हमें कुछ नहीं रिटर्न कराना होता. तो क्लियर, अब इन स्टेप्स पे आते हैं. यहाँ पे दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है और उनकी वैल्यूज इनिशियलाइज की जा रही है. पहले यहाँ पे इंट नंबर को यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू 24 इनिशियलाइज कर दी.
क्लियर। फिर यहाँ पे int num2 को डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू 34 इनिशियलाइज कर दी। देखा ना, डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। इसके बाद int result equals to num1 plus num2, ये एक एक्सप्रेशन बनाया जिसमें हम रिजल्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करके ये एक्सप्रेशन की वैल्यू उसमें स्टोर करा रहे हैं। ये तीन तो बहुत सिंपल लाइन से समझ आ गई होंगी। फिर ये लास्ट है सी आउट और फिर एंगल ब्रैकेट्स रिजल्ट एंडल। ये लाइन आप काफी बच्चों के लिए नहीं हो सकती है, बाकी सब तो शायद पहले भी देखा हो। सी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, सी प्रोग्राम में ये सब कॉमन था, सिर्फ ये लाइन आपके लिए नहीं होगी अगर किसी ने सी पढ़ के आया तो। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, सी आउट मतलब आप कुछ आउटपुट निकालना चाह रहे हो, आप कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो आप लिखते हो सी आउट। ठीक है, ये फंक्शन किसके अंदर डिफाइन है, इस फाइल के अंदर डिफाइन है, क्लियर। उसके बाद ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए हमने और फिर हमने वो वेरिएबल लिखा जिसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, या स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते थे, वो आगे देखेंगे प्रोग्राम के साथ साथ। फिर हमने ये रिजल्ट वेरिएबल डाला यहाँ पे, रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई थी नम1 प्लस नम2 वो यहाँ पे आ जाएगी, और स्लैश स्लैश एंडल। ये एंडल क्या करता है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। मतलब सपोज करो अभी आप कि मैंने ये एंडल नहीं लिखा होता, ठीक है, और खाली रिजल्ट को प्रिंट कराया होता, उसके बाद मैंने फिर से रिजल्ट को प्रिंट कराया होता, तो 24 प्लस 34 58 आउटपुट आता मेरा 58, और फिर से मैं रिजल्ट प्रिंट कराता तो फिर से इसके आगे आया था 58। ठीक है, जब आप चाहते हो कि जो भी आप प्रिंट करा रहे हो वो अगली लाइन से आना शुरू हो इसके बाद वाला, तो आप आखिरी में एंडल लिख देते हो। तो ये लिखते हो, ये लिखने से क्या हो गया, ये लिखने से अब ये जो हमारा आउटपुट है वो एक के नीचे एक आएगा, उसके आगे कंटिन्यू नहीं होगा, न्यू लाइन में आएगा, इसलिए वो लाइन एंड हो गई और नई लाइन से आपका अगला आउटपुट आना प्रिंट होगा, इसलिए हम आखिर में लगाते हैं एंडल। क्लियर, क्लियर, ओके। फिर ये रिटर्न जीरो हमने समझ लिया, ये इसका ब्लॉक खत्म हो गया, हर फंक्शन का अपना एक ब्लॉक होता है, यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ खत्म हो गया। ये ऐसा दिखता है आपका बेसिक C++ का प्रोग्राम। अब आगे देखते हैं, जो हमने वहां पे चीजें पढ़ी उसकी थोड़ी डिफाइन पढ़ लेते हैं कि हेडर फाइल क्या करती है। जो हैशटैग इंक्लूड फिर उसके आगे IOStream लिखा था वो एक हेडर फाइल थी, ये यहाँ पे हेडर फाइल होती है जिसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। दैट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस एंड मैक्रोस, बहुत सारे फंक्शंस और मैक्रोस की डिफाइन होती है, अगर हमें उस फंक्शंस को यूज करना है प्रोग्राम में तो उन फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। जैसे कि हमने IOStream वाली फाइल इंक्लूड करी थी, IOStream मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसके अंदर सी इन सी आउट होते हैं, यहाँ पे ये लिखा है। नेमस्पेस को भी रुको, मेन फंक्शन में क्या लिखा है, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है, ऐसे भी मेन फंक्शन जो हमने वहां देखा था। ठीक है, तीनों की डिफाइन याद करनी है तो यहाँ पे लिखी है। नेमस्पेस क्या है, यूजिंग नेमस्पेस जो HDI जो लाइन लिखी थी, इसका मतलब लिखा है, नेमस्पेस मतलब एक स्पेस को रिकॉग्नाइज कराता है जहां पे हमारे वेरिएबल्स डिफाइन है, वेरिएबल डिफाइन है, वो किसमें डिफाइन है, HDI, HDI मतलब स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड वेरिएबल्स के नेम है, अगर हम वो यूज करने होते हैं हमें तो हम ये लाइन यूज लिखते हैं, यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड। इसमें क्या हो रहा है, अ नेमस्पेस इन C++ इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ स्कोप और अ रीजन वेयर एज वेयर वी डिफाइन आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स मतलब जो वेरिएबल्स को आप नाम देते हो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। इट इज यूज्ड टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, नेम कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने का काम आता है, कैसे काम आता है ये प्रोग्राम के थ्रू समझो। ये देखो अंडरस्टैंडिंग नेम स्पेस, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक नेम स्पेस बनाया फर्स्ट स्पेस नाम का, और यहाँ पे हमने नेम स्पेस बनाया सेकंड स्पेस नाम का, दोनों के अंदर वॉइड फंक्शन है, एक वॉइड फंक्शन मतलब वॉइड मतलब होता है नथिंग, नल, कुछ भी नहीं, तो मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए void है। जैसे हमने मेन फंक्शन स्टार्टिंग में देखा था वो int टाइप था, इसलिए उसमें हम रिटर्न लगा रहे थे, ये void है इसलिए यहाँ पे कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ सी आउट मतलब प्रिंट स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। सिमिलरली सेम फंक्शन यहाँ पे भी बना रखा है, बट यहाँ पे लिखा इन साइड सेकंड स्पेस, यहाँ पे लिखा इन साइड फर्स्ट स्पेस। पहले हमने एक नेम स्पेस बनाया जिसका नाम दिया फर्स्ट स्पेस, जिसके अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है सी आउट इन साइड फर्स्ट स्पेस, अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। एंडल मतलब ये प्रिंट होने के बाद अपना कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। फिर हमने सेम चीज कर रखी है, सेम नेम स्पेस बना रखा है, खाली उसका नाम चेंज करके सेकंड स्पेस कर रखा है। अब एक ही चीज के अगर आपको दो ऐसे सेम फंक्शन है, void फंक्शन सेम काम कर रहा है, void फंक्शन सेम काम करना है, खाली उसका ये टेक्स्ट अलग है, बट फंक्शन का नाम सेम है। सेम फंक्शन के अगर आपको मल्टीपल यूज केस बनाने हैं, जैसे ये फंक्शन सेम void नाम फंक्शन नाम फंक्शन नाम वाला फंक्शन func फंक्शन नाम वाला फंक्शन, ये भी प्रिंट कर रहा है और ये भी प्रिंट कर रहा है, एक ही वेरिएबल को जब आपको दो चीजें असाइन करनी होती है तो आप नेम स्पेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट स्पेस तो वो इसको कैटेगराइज करेगा और फिर जब यहाँ पे फंक्शन कॉल करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहीं पे अगर मैंने यूजिंग नेम स्पेस सेकंड स्पेस लिखा होता
तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल होता और इनसाइड सेकंड स्पेस प्रिंट होता, बट अभी इनसाइड फर्स्ट स्पेस प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम यूजिंग मेन स्पेस फर्स्ट स्पेस कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने एक फंक्शन कॉल किया, हमारा कंपाइलर यहाँ आएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर void फंक्शन देखेगा, इसको कॉल कर दिया, मतलब सी आउट में ये फंक्शन ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? क्लियर। अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का क्या मतलब है? वहां पे तो हम ऐसा कुछ फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे एक सेम फंक्शन था, एक नाम इस नाम का, मतलब दोनों नाम फंक्शन के सेम है बट काम अलग अलग कर रहे हैं। मतलब मैंने एक तरह से एक ही आइडेंटिफायर है, एक ही वेरिएबल, एक ही आइडेंटिफायर यूज कर रखा है दो चीजों के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने मान लो एक्स की वैल्यू 5 असाइन करी है, यहाँ पे 4 करी है, तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू दो जगह अलग अलग साइन कर रखी है मैंने। ठीक है, ऐसे करने के लिए हम नेम स्पेस यूज करते हैं ताकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसे ही जो आप यहाँ पे सीएन यूज कर रहे हो फंक्शन के अंदर, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे सी आउट यूज कर रहे हैं, इंट यूज कर रहे हैं, सीएन यूज करेंगे, वो सारे एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आइडेंटिफायर्स डिफाइन होते हैं। अगर हमें बार बार स्पेसिफाई नहीं करना है इसलिए हम सीधा लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। उन सबके जो फंक्शन है, जैसे सी आउट क्या करता है, सी आउट जो सी आउट के बाद आप ऐसे लिखोगे तो वो जो चीज होगी उसको प्रिंट कर देगा। ये फंक्शन डिफाइन होता है आईओ स्ट्रीम में, बट ये जो आइडेंटिफायर के नेम है कि ये नाम वाला वर्ड ये काम करेगा, वो उसमें डिफाइन होता है नेम स्पेस में। कौन सी नेम स्पेस में? एसटीडी, मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस में। क्लियर? आई होप नेम स्पेस समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं न्यू लाइन प्रॉब्लम, मतलब नेक्स्ट लाइन में लाने की प्रॉब्लम। ये हमने बेसिक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने क्या प्रिंट कराया, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ऐसे स्ट्रिंग प्रिंट होती है। पहले आपने इंक्लूड ये लाइन बेसिक है, हर प्रोग्राम में लगाना जरूरी। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। मेन फंक्शन स्टार्ट करा, इंट के वो दिए डेटा टाइप, तो रिटर्न 0 लिखा, सी आउट में हेलो वर्ल्ड और सी आउट में आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये आउटपुट आया मेरे पे, हेलो वर्ल्ड और जस्ट उसके बाद आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। मैं चाहता हूं जब आपने अलग अलग लाइन में प्रिंट किया तो आप ऑब्वियसली चाहोगे ना कि इस लाइन के बाद अगली लाइन में आए आपका आउटपुट, बट ऐसा नहीं आ रहा है। वो लाने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीजें यूज कर सकते हैं, एस्केप सीक्वेंस, ये एक एस्केप सीक्वेंस है कैसे इस पे बात करते हैं, और दूसरा एंडल। एंडल से क्या होता है, मतलब वो लाइन एंड हो रही है वहां पर, ये स्पेसिफाई करता है। मैंने हमने सेम प्रोग्राम लिखा बट जब हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था उसके आगे हमने एक एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करके एंडल लिख दिया। इस एंडल से क्या हुआ, ये लाइन लिखने के बाद हमारा कंपाइलर समझ गया कि लाइन एंड हो गई, उसने कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया और फिर इस लाइन को रन कर दिया, तो फिर ऐसा आया हमारा आउटपुट। कि सेम काम आप ऐसे भी कर सकते थे कि उसी स्ट्रिंग के अंदर आपने बैकस्लैश एन लगा लिया, ये एक एस्केप सीक्वेंस है जो आपने यूज कर ली, ये क्या करता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है, इसलिए ऐसा प्रिंट हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एस्केप सीक्वेंस की बात यहां आई गई है तो एक बात और बता देता हूं, यहां पर यूज करा हमने बैकस्लैश एन वाली एस्केप सीक्वेंस, और होती है हमारे पास बैकस्लैश टी, जिससे वो नेक्स्ट टाइम में शिफ्ट नहीं करता, एक टैब जितनी स्पेस दे देता है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है बैकस्लैश बैकस्लैश, ये क्या करता है, ये क्या करता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सोचेंगे कैसे। आप एक प्रोग्राम बनाना सी प्लस प्लस का जिसमें आपको क्या करना है, 1 2 3 बैकस्लैश प्रिंट करने हैं। ये प्रोग्राम बना के देखो, आपको दिक्कत आएगी एक, फिर आप समझ जाओगे कि डबल बैकस्लैश किस काम आता है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं बता रहा हूँ, ये एक एस्केप सीक्वेंस है, डबल बैकस्लैश भी एक एस्केप सीक्वेंस है, वो आगे देख लेना आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? आपका क्या टास्क है अभी, एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 1 2 3 4 या फिर 5 जितने मर्जी बैकस्लैश आपको प्रिंट करने हैं। बैकस्लैश कैसे प्रिंट होता है ये आप समझ जाओगे तब। और एक और पढ़ लेते हैं, और एक और चीज समझ लेते हैं। अब ये जो हमारा कॉलन के साइन है, ये कॉलन के साइन प्रिंट नहीं होते, देख रहे हो, ये कॉलन लगाया, ये कॉलन लगाया, बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा, वो समझ गए स्ट्रिंग है, उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया हमारे कंपाइलर ने। अगर आपको कॉलन के साइन भी प्रिंट कराने हैं तो क्या करोगे, सर डबल कॉलन लगा देंगे। नहीं, ये गलत तरीका है, डबल कॉलन नहीं लगा सकते। तब हम कौन सी एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे, तब हम ऐसे लिखेंगे बैकस्लैश। बेसिकली बैकस्लैश क्या करता है ना, बैकस्लैश के आगे अगर आप बैकस्लैश के आगे ये लिख रहे हो तो ये इसको पावर दे देता है प्रिंट होने की। ऐसे ये प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि ऐसे इसका मतलब कुछ और डिफाइन है सी प्लस प्लस में। अगर आपको सिंगल कोट या डबल कोट प्रिंट कराने हैं तो उससे पहले बैकस्लैश लगाना पड़ेगा ताकि उसको प्रिंट होने की पावर मिल जाए। ठीक है, ये भी एक एस्केप सीक्वेंस होते हैं। क्लियर? तो अब नेक्स्ट टाइम में लाने की हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब हमें पता है नेक्स्ट टाइम चीजें प्रिंट करनी है, मल्टी लाइन में प्रिंट करनी है, तो हम ऐसे प्रिंट कर लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। कमेंट्स इन सी प्लस प्लस में कुछ नहीं है,
कमेंट्स वो लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो आप पूरा प्रोग्राम में जब आपने कोड लिखा होता है वो समझने के काम आती है, कंपाइलर उनको टच भी नहीं करता, उस सोर्स कोड को वो नहीं कंपाइल करता, ठीक है। दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर। मतलब अगर आप सी प्लस प्लस यूज करो तो हमें तो पता है उसमें कंपाइलर यूज होता है, इंटरप्रेटर किसमें यूज होता है, पाइथन में और पर्ल में, ठीक है। सी प्लस प्लस, सी, जावा, इन सब में कंपाइलर यूज होता है। तो वो स्टेटमेंट जो कंपाइलर इग्नोर करते कर देता है पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त, उससे हम बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। वो खाली जब आप कोड, जैसे आपने 40 फंक्शन बनाए, किस फंक्शन किस काम के लिए, उसमें आपके नेम में लिखा होगा, बट और अच्छे से समझने के लिए वहां पर कमेंट्स डाल देते हो कि इस लाइन से ये हो रहा है, इस लाइन से ये हो रहा है। आगे हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स में कर रखे हैं, उसमें हम देखेंगे कमेंट्स का कैसे यूज कर रखा है, ठीक है। फिर दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। मतलब अगर आप एक ही लाइन में कुछ ऐसा लिखना चाहते हो जो वो कमेंट कर दे, तो सिंगल लाइन कमेंट यूज करोगे, उसके लिए हम डबल बैक स्लैश लगाते हैं, इसके आगे जो भी हम लिखेंगे वो एक कमेंट बन जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट के लिए बैक स्लैश और फॉरवर्ड, सॉरी, डबल फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट्स खत्म। इससे क्या होगा, आपने जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक लगाया, उसके आगे जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट्स लिखते रहो, प्रोग्राम लिखो, कुछ भी लिखो, वो सब कमेंट्स बन जाएगा जब तक आप दूसरा दोबारा एक एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते, क्लियर। ये तो बहुत सिंपल है, दो तरह के कमेंट्स है, आधे बच्चों को तो पहले से ही पता होंगे, ये क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब है सी प्लस प्लस के टोकन्स। टोकन्स आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ो, उसका मतलब यही होता है, सबसे छोटी यूनिट जिसका कुछ मीनिंग है प्रोग्राम में, या फिर जिसका कुछ मीनिंग है कंपाइलर के लिए, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज समथिंग मीनिंगफुल टू द प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि अगर आपने, हम जो हमने केमिस्ट्री वगैरह किसी ने पढ़ी, सब नहीं पढ़ी होगी, खैर केमिस्ट्री पढ़ते उसमें होता है ना मैटर, मैटर किससे बने होते हैं, हर चीज जो चीज है वो मैटर है, वो किससे बने होते हैं, एटम से। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका कुछ मीनिंग है, जिसकी मदद से ही सारी चीजें बनती है। ऐसे ही टोकन जो है वो सबसे छोटी चीज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसका कुछ मीनिंग होता है और उसी से सारी चीजें बनती है प्रोग्रामिंग की। इन सी प्लस प्लस टोकन्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स दैट द कंपाइलर अंडरस्टैंड, जो कंपाइलर को समझ आए वैसा सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं टोकन। एवरी वर्ड इन सी प्लस प्लस सोर्स कैन बी कंसीडर्ड एज टोकन, अनलेस एंड अंटिल आप कुछ, मतलब जब तक वो प्रोग्राम का सही चल रहा है तो उसके अंदर जो भी सारी चीजें वो क्या कहलाएंगी, टोकन। कुछ आइडेंटिफायर होंगे, कुछ कीवर्ड होंगे, कुछ स्ट्रिंग होंगे, कुछ कॉन्स्टेंट होंगे। टोकन्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, कौन से, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स। अब हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, जो आप नेम असाइन करते हो किसी भी वेरिएबल्स को या फिर फंक्शंस को ताकि प्रोग्राम में यूज कर सको, उसे बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे पीछे हमने नम वन पढ़ा था, नम टू पढ़ा था, रिजल्ट पढ़ा था, वो एक वेरिएबल नेम्स है जो आपने असाइन कर रखे हैं, तो वो क्या है, आइडेंटिफायर्स है, कि जो आपने वैल्यू असाइन करी है उसकी आइडेंटिटी कहाँ क्या क्या है, उसका नाम क्या है, आइडेंटिफायर कहलाते हैं वो, ठीक है। द आइडेंटिफायर्स आर द यूनिक नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड क्लासेस, ठीक है। वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, किसको भी जो भी आप नाम दोगे वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। वो नाम बनाने के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल्स होते हैं, सी प्लस प्लस में भी हैं और कुछ ये रूल्स है, ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही रूल्स होते हैं, ठीक है। अब इस पहला मैं रूल्स आपको ऐसे बता देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला कि जो आपका नाम है किसी भी आइडेंटिफायर का, उसमें अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर और नंबर्स हो सकते हैं, बस स्पेशल सिंबल्स वगैरह नहीं हो सकते, या फिर और जो भी बचा वो सब नहीं हो सकता। दूसरी चीज, आपका जो हमेशा आइडेंटिफायर स्टार्ट होगा या तो एक अंडरस्कोर से होगा या किसी अल्फाबेट से होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तीसरी चीज, आपका जो भी आइडेंटिफायर है वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स जो पहले से हमारे कंपाइलर को उसका मीनिंग पता है, हम वो एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, बस इतना ही समझो कीवर्ड को, वरना नेक्स्ट लाइन में हमने कीवर्ड भी पढ़ना ही है, ठीक है। अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर ए टू जेड से होना चाहिए, और ए टू जेड 0 to 9, अच्छा ये लोअर केस में भी अपर केस में भी है, और अंडरस्कोर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक इन इट्स नेमस्पेस, मतलब जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको एक ही आइडेंटिफायर को दो दो काम में यूज करना है तो आपको उसको अलग अलग नेमस्पेस बनानी पड़ेगी। अभी हमने नेमस्पेस में पढ़ा ना कि आपको एक ही ये देखो अभी हमें ये फंक्शन के दो दो यूज केस बनाने थे, इसी नाम के फंक्शन के दो दो यूज केस हैं, तो अगर मैं इसको इसी में डाल देता, मतलब एक ही नेमस्पेस में दोनों, एक फंक्शन, एक ही आइडेंटिफायर के दो दो काम डिफाइन कर देता मैं, तो मेरा प्रोग्राम गलत हो जाता। अगर आपको प्रोग्राम बना के देखना, इतना बड़ा नहीं लिखना, तो यहां पर लिखना int x equals to 5 और फिर नीचे लिखना int x equals to 4, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा कि आप एक ही आइडेंटिफायर को दो बार कैसे असाइन करके यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आपको ऐसा करना है तो अलग अलग नेम स्पेस में आप कर सकते हो, क्लियर। यही था वो पॉइंट आइडेंटिफायर का, बस ये लास्ट पॉइंट था हमारे आइडेंटिफायर का। और लास्ट एक और पॉइंट,
हमें पता है कि हमारी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, अगर आप कैपिटल में कुछ लिखते हो और स्मॉल में कुछ लिखते हो तो दोनों के मतलब अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपने लिखा कैपिटल एक्स इक्वल टू 5 और स्मॉल एक्स इक्वल टू 4, ये आप कर सकते हो क्योंकि दोनों के मतलब अलग हैं, दोनों एज ए डिफरेंट आइडेंटिफायर्स रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जिनका मीनिंग पहले से पता होता है हमारे कंपाइलर को और वो कुछ लिमिटेड होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस के ये सारे हैं, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना कि जो आपके आगे यूज के आएंगे, से ब्रेक आएगा आगे यूज आपका, साइज ऑफ आएगा, मेन भी होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे, मेन भी लिखा होगा, मेन होता है, वाइल होता है, फॉर होता है, एल्स होते हैं, सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं। इन सबको ऐसे आइडेंटिफाई कहीं मत यूज करना, वैसे तो आप ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओगे नहीं जिसमें आप यूज करो, फिर भी एक पॉइंट याद रखना, बस यही होते हैं आइडेंटिफायर, जो एक टोकन के टाइप है जिसका कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसका पहले से प्रीडिफाइंड मीनिंग है कंपाइलर के लिए, कंपाइलर के पास। स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स में कुछ ही याद है, सेमी कॉलन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, कर्ली ब्रैकेट्स, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, इन सबका अपना अपना यूज केस होता है। जैसे कि सेमी कॉलन मतलब टर्मिनेट हो गई है एक स्टेटमेंट, ये बताने का काम आता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स कहाँ काम आते हैं, एरे के अराउंड जहां भी बात होगी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। दे आर यूज टू स्टोर एरे एलिमेंट्स, स्टोर एरे एलिमेंट जरूरी नहीं है, जब हमें एरे एलिमेंट्स का एक्सेस करना होता है तब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स हमने देख ही लिया, ब्लॉक की स्टार्ट और एंडिंग बताते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। फिर डबल कोट्स किस काम आते हैं, इट इज यूज्ड टू एनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल्स। एक और बात ध्यान रखना, जो बच्चे सी पढ़ के आए हैं यहाँ, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं होता था सी में, सी प्लस प्लस में वो स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है। सी में हम स्ट्रिंग को एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स बताते थे, वो अलग चीज हो गई, वो कैरेक्टर कहलाता था वहां पे कोई स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप नहीं थी। सी प्लस प्लस में एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप भी है, तो अगर आप उसको डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हो, चाहे सिंगल ए ही स्पेसिफाई कर रहे हो, वो उसे ऐसा स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, बट अगर आप उसको सिंगल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हो तो वो उसे एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा। क्लियर, ये होते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स, और भी बहुत सारे होते हैं बट अगर बेसिक कुछ पूछे जाए तो मैं सी प्लस के आपको बता दिए। अब आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स हमें पहले से ही पता है, जो ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं या फिर वो टोकन के वो पार्ट है ऑपरेटर्स जो कुछ फंक्शंस ऑपरेट करने के काम आते हैं। ठीक है, इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स सच एज वेरिएबल्स। ऑपरेंड्स क्या होता है, 2 + 3 लिखे तो प्लस एक ऑपरेशन है और 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड है। क्लियर, वो होते हैं, तो प्लस माइनस ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बड़े सारे टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब इसमें सिंगल ऑपरेंड यूज हो, सिंगल ऑपरेंड यूज हो मतलब अगर आप लिख रहे हो 2 + 3 तो इसमें 2 भी एक ऑपरेंड है, 3 भी एक ऑपरेंड है। ये पूरा प्लस फंक्शन प्लस ऑपरेटर को यूज केस में लाने के लिए कितने ऑपरेंड यूज हुए, 2, 2 और 3। तो प्लस जो हुआ हमारा कौन सा ऑपरेटर हुआ, बाइनरी ऑपरेटर। क्यों बाइनरी ऑपरेटर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 2 ऑपरेंड लगे। ऐसे कोई मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसमें मेरा सिंगल ऑपरेंड लगे उसका हम बोलेंगे यूनरी, 2 लगे बाइनरी, 3 लगे टर्नरी। क्लियर, अब एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है, यूनरी ऑपरेटर आर यूज्ड विद सिंगल ऑपरेंड्स ओनली, दे परफॉर्म द ऑपरेशन। सिंगल ऑपरेंड्स हमने पढ़ लिया और ना सिंगल वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लो, ये और ये 2 बार माइनस है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बट मेन जो 2 हमेशा यूज आएंगे वो यहाँ लिखे हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डबल 2 बार प्लस। ये क्या करता है, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा। अगर आप आई के आगे 2 बार प्लस प्लस लिख देते हो तो मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो। इंक्रीमेंट ऑपरेटर उस आई की वैल्यू में 1 प्लस कर देगा, 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। इट इज यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाय 1। ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस कर देगा। सेम डिक्रीमेंट होता है, 2 बार माइनस साइन, एक यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेटर ऑपरेंड पे काम करेगा। जो भी वैल्यू के साथ जिस वेरिएबल पे खेलोगे उसकी वैल्यू 1 डिक्रीज कर देगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स हमने डिफाइन पढ़ चुके हैं, जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करे उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। यहाँ पे डिफाइन लिखी हुई है, ये डिफाइन है और ये इसके टाइप्स है। ठीक है, इसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन, लॉजिकल असाइनमेंट और बिटवाइज। अर्थमेटिक तो नाम से ही समझ आ रहा है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के काम है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब। फिर उसका अगला कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये भी नाम से समझ आ रहा है, जो कंपैरिजन के काम है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारे। ठीक है, अगर ये साइन एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू का किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं ये किसके काम आता है, नॉट इक्वल्स टू चेक करने के। मतलब अगर आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, हाँ अगर आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, कलर चेंज कर लेते हैं, 3 greater than 5, ये ट्रू है या फॉल्स है। जो भी आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना वो हमेशा ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, तो अगर 3 greater than 5 लिखते हो तो ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही
अगर आप थ्री एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू फाइव लिखते हो तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? जो थ्री एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू फाइव है ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन चेक कर रहा है क्या लेफ्ट वाली साइड राइट से बराबर नहीं है, क्या लेफ्ट और राइट बराबर है, नहीं है, तो इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं ये फाइव एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू फाइव कर दूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अब राइट और लेफ्ट बराबर है, इसका ये चेक करता है क्या वो बराबर नहीं है, ये उसके चेक करने के काम आता है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। यस, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस, अगर आपने एंड और ये सब पढ़ रखा हो तो उसके काम आता है एंड, ये एंड ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर, ये नॉट ऑपरेटर, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आते हैं, दो ट्रू वैल्यूज को, दो फॉल्स वैल्यू को, या एक ट्रू फॉल्स के बीच में हम क्या लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर? अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तो आपका एंड क्या देगा, ट्रू, वरना वो क्या देगा, फॉल्स। एंड ऑपरेटर में दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होने चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करता है। और में क्या होता है, कोई भी एक ऑपरेटर ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अननेसेसरली दोनों फॉल्स है तभी वो फॉल्स रिटर्न करता है। और नॉट में क्या होता है, जो भी आप उसमें ट्रू डालोगे तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स डालोगे तो ट्रू कर देगा। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब जो वैल्यू असाइन करने के काम आते हैं, जैसे कि नेगेटिव इक्वल्स टू, अच्छा नेगेटिव इक्वल्स टू क्या इससे बात करेंगे, बट आपका जो नॉर्मल इक्वल्स टू है वो भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब एक मिनट देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, अगर मैंने लिखा नेगेटिव इक्वल्स टू, ऐसे लिखा ए नेगेटिव इक्वल्स टू फाइव, तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, इसका मतलब है ए इक्वल्स टू ए माइनस फाइव, मतलब ये दोनों लाइन्स का मतलब सेम है, ए माइनस इक्वल्स टू फाइव, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू ए माइनस फाइव, ये एक वेरिएबल है। तो ये हमारा माइनस इक्वल्स टू ऑपरेटर ने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे समझा ए इक्वल्स टू ए माइनस फाइव, मतलब ए में से पांच माइनस करो और वो वैल्यू वापस ए को असाइन कर दो। पहले अगर ए की वैल्यू 10 थी तो अब क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि 10 माइनस 5 5, वो वैल्यू उठा के हमने वापस किसको असाइन कर दी, 5 को। ये होता है एक टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम ऐसे ही प्लस इक्वल्स टू भी काम करता है, इसके प्लस आ जाएगा, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर्स ऐसे ही काम करते हैं। अब हम बिल्कुल सी प्लस प्लस का ओवरव्यू ले रहे हैं, बेसिक ले रहे हैं, इसलिए डिटेल में जाएंगे, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया कि कैसे काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर थोड़े मुश्किल होते हैं समझने में एज कम्पेयर टू बाकी सारे। बिट वाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, जो भी आप वैल्यूज के बीच में बिट वाइज ऑपरेटर कराना चाहते हैं उनको बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनपे वही लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे ये हैं ऐसे वाले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे वाले ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, बिट्स में परफॉर्म होंगे, परफॉर्म करने के बाद वापस उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे काम करता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। इसको हम आगे कोशिश करेंगे पूरे डिटेल में पढ़े, बट अभी हम क्योंकि ओवरव्यू ले रहे हैं खाली, इसलिए अब इतना ही पढ़ेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म बिट वाइज ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, दीज इंक्लूड एंड और नॉर और ये सारे, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ठीक है, ये बिट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म बिट वाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, बिट वाइज ऑपरेशन से लिख दिया इसकी डिफाइन में, बिट वाइज ऑपरेशन वो हुए जो पहले बिट्स में चेंज करेगा, फिर उसको ऑपरेशन फॉर्म करेगा, फिर उसको वापस नॉर्मल फॉर्म में ले आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर ही ऐसा ऑपरेटर है जिसमें तीन ऑपरेंड यूज होते हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तीन ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं, पहले इसका सिंटेक्स देखो। पहला इसको ऑपरेटर ऑपरेंड भी आ सकता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ, एक्सप्रेशन लिखना ज्यादा बेटर है इसके सिंटेक्स में, क्यों अभी बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क, दूसरा एक्सप्रेशन कॉलन, तीसरा एक्सप्रेशन और सेमी कॉलन। करता क्या है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, जब हम अगर इफ पढ़ाओ किसी ने किसी भी लैंग्वेज में, तो उसमें क्या होता था, इफ वन कंडीशन इज ट्रू देन परफॉर्म उसका जो भी वो कराना चाह रहे हैं, एल्स वो परफॉर्म कर दो अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है। इफ एल्स का ही रिप्लेसमेंट बोलते हैं टर्नरी को। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन जैसे मान लो मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 3, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये ट्रू है, ट्रू है, 5 तो 3 से बड़ा है। जो भी ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है तो एक्सप्रेशन 2 में जो हो रहा होता है वो हो जाता है, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है तो एक्सप्रेशन 3 में जो हो रहा होता है वो हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर हो जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करे, 5 ग्रेटर देन 3 जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही कुछ हो, वो 5 मतलब 5 और 3 में खाली एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 प्लस 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पे 5 प्लस 3 हुआ जो ट्रू है या फॉल्स है आपको कैसे पता, आपको ऐसे पता क्योंकि हमें पता है 0
और वन बाइनरी फॉर्म होती है ट्रू और फॉल्स की। तो 5+3 अगर नॉन जीरो है तो मतलब हम ट्रू की बात कर रहे हैं, जीरो है मतलब फॉल्स की बात हो रही है। कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर इस एक्सप्रेशन में आएगा आउटपुट ऐसा, तो वो उसको ट्रू समझेगा, अगर जीरो आएगा तो उसको वो फॉल्स समझेगा, ट्रू समझेगा तो एक्सप्रेशन टू को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स समझेगा तो एक्सप्रेशन थ्री को एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। C++ डाटा टाइप्स, तीन तरह की डाटा टाइप्स होती है, जैसे ही अगर किसी ने सी में पढ़ी है तो वो सेम यहीं पे है। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी डिराइव्ड, तीसरी यूजर डिफाइंड। प्राइमरी मतलब जो इनका मतलब जो डाटा टाइप्स पहले से डिफाइन है, इंट, कैर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, ये सारी। और डिराइव्ड मतलब वो वाली डाटा टाइप्स जो हम इनको यूज करके बनाते हैं, जैसे फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। यूजर डिफाइंड मतलब जो हम खुद डिफाइन करते हैं, उसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स और आएंगे ये भी हम खुद डिसाइड करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो हम अगर किसी को उप्स पढ़ना है तो ये तो पूरा समझना ही पड़ेगा, फिर स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और टाइप डेफ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टाइप कन्वर्जन इन C++, दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने इतनी सारी डेटा पढ़ी, मुझे इंटीजर से किसी की डेटा टाइप कन्वर्ट करनी है कैरेक्टर में, या फिर बुलियन से करनी है इंटीजर में, या फिर फ्लोटिंग से करनी है इंटीजर में। एक टाइप की डेटा को दूसरे में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। दो तरीके से होता है सी में, C++ में, और ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंदर वो कन्वर्जन आती है जो अपने आप होती है। अपने आप होने का क्या मतलब है, इसको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, डन बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन। मतलब आप प्रोग्राम लिखते हो, स्पेसिफाई नहीं करते हो कि आपको ये कन्वर्जन करनी है या फिर ये कन्वर्जन करो, वो कंपाइलर खुद समझ जाता है और कन्वर्ट कर देता है। कैसे, ये एक C++ का प्रोग्राम देखो, स्टार्टिंग से करते हैं, ये बेसिक लाइन, वो फंक्शंस जो हम आगे यूज करेंगे जैसे सी आउट, सीन, उसको यूज करने के लिए, ठीक है, बिना इसके प्रोग्राम नहीं चलता हमारे C++ का। फिर यूजिंग नेम स्पेस STD, ये हमें समझ लिया इसका यूज केस भी। फिर मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, मेन फंक्शन खत्म हुआ, इसकी रिटर्न टाइप इंट थी तो रिटर्न जीरो लिख दिया, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया C++ का। फिर हम x की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं 10, इंटीजर x है। कैर की वैल्यू y की डिफाइन कर रहे हैं a, ये कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सिंगल कोट्स में कर रखा है, पढ़ाई हमने पीछे। फिर y इम्प्लिसिटली कन्वर्ट्स इनटू इंट, कैसे, जब आप लिखोगे x इक्वल्स टू x प्लस y, अब x में किसकी वैल्यू साइन होगी, x प्लस y, x एक इंटीजर है, y एक कैरेक्टर है। अब भाई आप, हमें तो आता नहीं इंटीजर कैरेक्टर को ऐड करना, ये कंपाइलर अपने आप करेगा, कैसे करेगा, वो इस कैरेक्टर को, ये जो y हमारा कैरेक्टर है, इसको ASCII कोड की मदद से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देगा। आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि उसको अपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, आपने बस ये लाइन लिखी कि उसको ऐड कर दो, जो उसने कन्वर्ट किया पहले उसको उसने खुद किया, ठीक है। आपने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं बोला था कहीं पे, आपने एक एडिशन ऑपरेशन करने को कहा था बस, आपने नहीं कहा था कि पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना फिर ये ऐड करना, ठीक है। ये अपने आप पहले कन्वर्ट हुआ फिर ऐड हुआ, ये कन्वर्जन कंपाइलर ने अपने आप करी, ये हुई इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ASCII कोड क्या होता है, स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है, जो हर कैरेक्टर का आपको इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू देता है, ठीक है। उसमें जो हमारे ए की वैल्यू होती है वो होती है 97। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस y की वैल्यू ASCII कोड की मदद से कन्वर्ट हो रही है इंटीजर में, जो वो अपने आप कर रहा है, इसलिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। फिर उसको x में ऐड करके उसी x में असाइन कर रहा है। x की वैल्यू क्या थी 10, y की वैल्यू क्या थी a। ASCII कोड में a की वैल्यू होती है 97, तो 97+100 107 x में असाइन कर देगा। ये कन्वर्जन आपने उसको करने को नहीं बोली, आपने खाली लिखा x प्लस वाई प्लस ऑपरेशन करने के लिए आपने उसको कहा था, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया था, वो उसने खुद किया, इसलिए इसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। फिर हम आगे क्या कर रहे हैं, फ्लोट z इक्वल्स टू x प्लस 1.0। अब 1.0 एक फ्लोट नंबर है क्योंकि डेसिमल है, फ्लोट वाले कौन से होते हैं, इसमें डेसिमल आता है, इंटीजर कौन से है इसमें डेसिमल नहीं आता। अभी x की वैल्यू 107 है, क्लियर, इसको पहले डेसिमल में चेंज करेगा, डेसिमल में चेंज करेगा तो ये हो जाएगी 107.0, डेसिमल में चेंज हो गई, मतलब इंट से फ्लोट में चेंज हो गई अपने आप, आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने सिर्फ एक एडिशन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा था, चेंज करने के लिए नहीं कहा था। 107.0 हो जाएगी, उसमें 1 प्लस करेंगे 108.0 आ जाएगा। फिर जब हम ये तीनों को प्रिंट करेंगे, जब हम तीनों को प्रिंट कर रहे हैं तो x को जब हम प्रिंट करेंगे तो उस x की वैल्यू क्या आई थी 107, बस पॉइंट नहीं आएगा इसमें क्योंकि x की वैल्यू जो साइन हुई 107 अभी इंटीजर ही है, ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसने खुद कन्वर्ट करी थी, इसलिए x की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू को में तो कुछ छेड़छाड़ हुई नहीं है, वो a ही आएगी, a, ठीक है। z की वैल्यू क्या आएगी,
10.00 जैसे, ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो आते हैं, जिससे ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर है और ये इंटीजर है। आपने इन तीनों में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसमें जो उसके लिए जो कन्वर्जन लगी है वो हमारे प्रोग्राम ने खुद करी है, मतलब कंपाइलर ने खुद करी है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब ये वाला प्रोग्राम देखो, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन समझने के लिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक डबल एक्स, इसकी डेटा टाइप, एक्स की डेटा टाइप क्या है, डबल, इस डबल एक्स, इस एक्स की वैल्यू जो डबल है डेटा टाइप इसकी, उसमें 1.2 वैल्यू साइन करी। फिर हमने एक सम को वेरिएबल को डिफाइन किया जिसके अंदर वैल्यू हम क्या असाइन कर रहे हैं, एक्स प्लस वन, बट इस एक्स को हम पहले इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये कन्वर्जन यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, तो अब ये 1.2 कन्वर्ट हो जाएगा इंट में, ठीक है, फिर उसमें वन ऐड करके ये सम को साइन कर देगा। तो अब जो सम में वैल्यू शोर हुई है वो एक इंटीजर ही है, चाहे आपने एक डेसिमल वाले डिजिट के साथ उसमें कुछ परफॉर्म करके फिर ऐड कराया है, बट ये इंटीजर आपने खुद स्पेसिफाई यहाँ पे करके उसको बोला कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर, इसलिए ये वाली कन्वर्जन कहलाई एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, या फिर इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, और ये यूजर डिफाइंड होती है, मतलब यूजर खुद कराता है, इसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है यूजर को कि हमें ये कन्वर्जन चाहिए। लास्ट वाले में हम स्पेसिफाई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो खुद कर रहा था, इस वाले में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्लियर। बस ये दो तरह की कन्वर्जन होती है, बहुत आसान था ये, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं C++ फंक्शंस। C++ फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, वो टाइप, वो कोड जिनका कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जिनको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप सी आउट फंक्शन यूज करा हमने, वो उसका भी, वो भी एक फंक्शन है, उसका क्या काम है, उसके आगे जो लिखा हो उसको प्रिंट कराना, ठीक है। ऐसे ही जो हम फंक्शन खुद भी बना सकते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। और वो उसका फायदा क्या है, रीयूजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फंक्शंस। रीयूजिबिलिटी मतलब अगर आपने सम निकालने का फंक्शन बनाया या फिर सैलरी निकालने का फंक्शन बनाया कुछ क्राइटेरिया के बेस पे, तो आपको बस वो क्राइटेरिया बार बार ऐड करने हैं, या फिर सम के लिए ऑपरेंड्स बार बार ऐड करने हैं, उस सम अपने आप निकाल के रिटर्न कर देगा। अगर आपने एक बार फंक्शन बना दिया तो आपको बार बार उसका पूरा प्रोसेस नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको वो यूजिबिलिटी के भी काम आते हैं। ये फंक्शन की डिफाइन लिखी है कि इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक्स इनपुट, डज सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशन एंड प्रोसीड विद आउटपुट, फिर आउटपुट दे देता है। सिंपल, ये सिंपल सी डिफाइन आप पढ़ भी सकते हैं। खैर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब C++ फंक्शन समझ लिए, एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल फंक्शन समझने के लिए, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कर रखा है। डिक्लेयर करना मतलब बताना कि हम वो फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए हम खाली फंक्शन का ये लाइन लिखते हैं, खाली ये लाइन डिक्लेयर करने के लिए, बस आगे सेमीकोलन लगा देते हैं। क्योंकि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है मैंने ये भी बता रखा है इसके ब्लॉक के अंदर, तो इसको बोलते हैं डिक्लेयर भी करा है हमने और डिफाइन भी करा कि वो क्या काम करेगा। पहले बेसिक C++ का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए दो लाइनें लिखी, ये मेन फंक्शन बनाया, रिटर्न जीरो किया, ये हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जो हम खुद बना रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप लिख दी, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो हमें कुछ भी नाम लिख सकते हो, खाली वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, फंक्शन का नाम लिखा, फिर वो आर्ग्यूमेंट्स या वो वेरिएबल्स या वो पैरामीटर्स यहाँ पे लिखते हैं जिन पे हमारा फंक्शन काम करेगा। जैसे मैंने सम का बनाया था, वो दो पैरामीटर्स पे काम करेगा, एक को मैं मान लिया एक्स, एक को मान लिया वाई। अब वो सम है तो उसका ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया और रिटर्न एक्स प्लस वाई लिख दिया। बहुत बेसिक सा फंक्शन बना रखा था, इसकी जरूरत थी नहीं, बट समझाने के लिए ये बना दिया। एक्स प्लस वाई लिखा तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, एक्स और वाई का सम रिटर्न करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मेन के अंदर ये एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स का भी इसमें कंसेप्ट आता है, वो भी समझेंगे। पहले ये देखो, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, एक एक वेरिएबल लिया इंट टाइप का, इसकी वैल्यू 10 असाइन करी, बी वैल्यू लिया इंट टाइप का 20 असाइन करी, एम में इसको कर दिया कॉल, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। जब आप फंक्शन का नाम लिखो, ब्रैकेट्स के अंदर वो पैरामीटर्स लिख दो जिस पर आपको परफॉर्म करना है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आएगा, ये जो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी, ये रिटर्न क्या कर रहा है, x+y जो भी हो रहा होगा यहाँ पे आ जाएगा वो, और वो एम में असाइन हो जाएगा, और फिर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। सिंपल इजी। अब ये यहाँ पे जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, ए और बी की वैल्यू 10-20 थी, तो 10-20 यहाँ पे आ रहा है, एक्स और वाई की जगह 10+20 हो गया 30 रिटर्न हो रहा है। अब आपने एक चीज देखा, क्या देखा आपने, कि ए और बी कैसे एक्स और वाई को रिप्लेस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये होता है पैरामीटर्स की वजह से। जो पैरामीटर्स हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त क्रिएट करते हैं, उस पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब वो पैरामीटर्स जो खाली फॉर्मेलिटी के लिए फंक्शन में रखे गए हैं, एक्चुअली में वो रिप्लेस ही होने वाले हैं, उनकी जगह कोई वैल्यू आने ही वाली है, उन पैरामीटर्स को हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हो गए, यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, यस, ये हो गया फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है।
अब जब आपने फंक्शन को कॉल किया, हो गया फंक्शन कॉल, जब आपने फंक्शन कॉल किया तब आप जो वैल्यूज पास करते हो, एरबी की वैल्यू पास कर रहे हो 10 और 20, तो ये कौन से पैरामीटर्स हो गए? ये पैरामीटर हो गया हमारा एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअल जो आप एक्चुअली में जो वैल्यूज पास कर रहे हो फंक्शन कॉल करते टाइम, फॉर्मल मतलब फंक्शन क्रिएट या डिफाइन करते टाइम जो वैल्यू फॉर्मेलिटी के लिए वहां पे वेरिएबल्स रख देते हो, इन पे परफॉर्म होंगे हमारे फंक्शंस, हमारे ऑपरेशंस, होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर समझ आ गया। अब ये फंक्शन कॉलिंग थी और ये फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, इससे हमें बेसिक सी का फंक्शन, सी प्लस प्लस के फंक्शन कैसे होते हैं ये समझ आ गया है। आगे बढ़े, यस अब आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन के बाद जो हम समझ रहे हैं वो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। अब फंक्शन हमने बेसिक सी प्लस में कैसे बनता है, कैसे वैल्यू साइन होती है, कैसे वर्क करता है, वो समझ लिया। अब देखेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये फंक्शंस में के थ्रू ही होती है। कैसे होती है? यहाँ पे फंक्शन बना रखा है, ये है थ्रू कॉल बाय वैल्यू और ये है थ्रू कॉल बाय रेफरेंस। हो सकता है काफी लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, देख लो, रिफ्रेश हो जाएगा। क्या कर रहे हैं इसमें हम? बेसिक सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर बनाया पहले, तो जो हमारे प्रोग्राम में देखते ही है वो है, और यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है इंक्रीमेंट फंक्शन, और यहाँ पे भी सेम वो इंक्रीमेंट फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे एक एंड का डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, वो क्यों है इस पर बात करते हैं, पहले इसको समझेंगे। void increment फंक्शन टाइप क्या है? void, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, क्लियर। फंक्शन का नाम है इंक्रीमेंट, जिसके अंदर हम एक ही पैरामीटर ले रहे हैं नम नाम का, फिर हम उस पर इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं। ये एंडल इसलिए लिखा है ताकि हमारा कर्सर नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाए, इसके बाद जो भी हम प्रिंट कराए वो नेक्स्ट में प्रिंट हो। फिर मेन फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं? एक नंबर आइडेंटिफायर बना, वैल्यूएबल बनाया जिसका नाम आइडेंटिफायर है नंबर, वैल्यू है 5, उसके अंदर साइन करी हमने। फिर इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर हम उसी नंबर को पास कर रहे हैं, ये नंबर यहाँ पास होगा, ये हो गया पासिंग नंबर बाय वैल्यू। बाय वैल्यू कैसे हुआ इसको अभी समझेंगे। ये इंक्रीमेंट फंक्शन में ये 5 की वैल्यू पास हुई, यहाँ पे जाएगा हमारा कंपाइलर, उसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा और सी आउट ऑपरेशन परफॉर्म करके उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो पहले 5 थी, यहाँ गया वैल्यू प्लस हुई 6 हो गई, उसको प्रिंट किया 6 आउटपुट आ गया। अब ये फंक्शन तक का काम हो गया। अब इसके बाद दोबारा एक सी आउट है, दोबारा उस नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। अब क्या होगा? वो 5 प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो चेंज आया है वो इस फंक्शन के अंदर आया है, वो इस नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो चेंज खाली फंक्शन के अंदर तक था। जैसे इस फंक्शन के बाहर आए हम, नंबर की वैल्यू वापस से 5 हो गई। इस फंक्शन के अंदर गए थे, नंबर की वैल्यू में 1 प्लस किया था, उसको प्रिंट कराया था, फंक्शन के बाहर आए वापस उसकी वैल्यू 5 हो गई, उसको प्रिंट करा दिया, इसलिए 6 और 5 प्रिंट हो गई। ये होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्यों होता है ये समझेंगे। अब है कॉल बाय रेफरेंस, बिल्कुल ऐसे थे सेम प्रोग्राम है, बट फंक्शन डिफाइन करते वक्त यहाँ पे हमने खाली एक पैरामीटर लिखा था, यहाँ पे जो पैरामीटर है वो पैरामीटर एक एड्रेस है। एड्रेस कैसे है? आप एंड का यूज कर रहे हैं तो ये यहाँ पे एक एड्रेस पास होगा, क्लियर। तो अब जब यहाँ पे आपने एंड का यूज करके एक एड्रेस पास कराएंगे और उसको इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये क्या करेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर? उस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, एक इंक्रीमेंट करके फिर उसको प्रिंट कर देगा, और सेम वही काम होगा ऐसे जो उसमें फंक्शन में। तो क्या हुआ था? नंबर को वैल्यू 5 असाइन करी, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल से वो यहाँ पे आया। इस बार फंक्शन कॉल में ना हमने जो वेरिएबल पास किया उसका एड्रेस पास हुआ है, क्योंकि उसका एड्रेस पास हुआ है और वहां पे 1 प्लस हुआ है। तो अब जब मैं यहाँ फंक्शन के बाहर इस नंबर को एक्सेस कर रहा हूं, वहां पे उसका फंक्शन के अंदर वाला चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझे। जब हम फंक्शन के अंदर जा रहे हैं और उसमें 1 प्लस कर रहे हैं, तो अब ये उस वेरिएबल में 1 प्लस नहीं कर रहा है, उस एड्रेस को एक्सेस कर रहा है जहां पे वो वेरिएबल है, और उस एड्रेस में जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर रहा है। 1 प्लस किया, वैल्यू 6 हो गई, यहां पे उसको प्रिंट कराया, 6 प्रिंट हो गया। अब हम बाहर आए, वापस उस वेरिएबल को एक्सेस किया, वो वेरिएबल जिस एड्रेस को एक्सेस कर रहा था वहां पे 1 प्लस हो चुका है, तो अब वो वाला चेंज यहां पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए जब हम दोबारा प्रिंट किया यहां पे 6 आया, इसलिए जब हमने दोबारा प्रिंट किया यहां पे 6 आया और यहां पे 6 नहीं आया था, यहां पे 5 था। ये होता है कॉल बाय वैल्यू जब हम वैल्यू पास करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस जब हम एड्रेस पास करते हैं। ये दो तरीके से फंक्शन कॉल होता है। ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस यहाँ पे शो कर रखा है। वैल्यू पास इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन। इसमें वैल्यू पास होती है, इसमें एड्रेस पास होता है, इसमें आपको बताया स्कोप ऑफ चेंजेस, मतलब इसमें अगर आप फंक्शन में चेंज कर दे तो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करता कॉल बाय वैल्यू में, फंक्शन के अंदर चेंज कर दे तो बाहर रिफ्लेक्ट करता है कॉल बाय रेफरेंस में। परफॉर्मेंस इट मे रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मेमोरी, कॉल बाय वैल्यू में एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती है क्योंकि दोनों जगह से चेंज हो रहा है वो अलग अलग मेमोरी पे होता है, इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती। मेमोरी लोकेशन, इसमें एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट करते हैं कॉल बाय वैल्यू में, और इसमें एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स एक ही लोकेशन को टारगेट कर रहे थे जैसे कि हमने देखा। एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन लिखी हुई है दोनों की, वो तब यूज होते हैं जब हमें मॉडिफाई कराना हो और वो
जब हमें फंक्शन के अंदर वाला चेंज अंदर तक ही रखना हो तब। क्लियर? ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। बस आपका सी प्लस प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू यहीं तक था। जितने यहां तक अच्छे से देख लिया, एक बार लाइक शेयर कमेंट कर देना। और जिसने इस लेक्चर के बाद आप ऊप स्टार्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको जो भी स्टार्ट करेगा उसको अच्छे से समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।